दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपने आज तक अपने इंस्टाग्राम पर जितनी भी पोस्ट पब्लिश की हैं, अगर उन सभी पोस्ट को आप एक क्लिक में डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि अपनी ओल्ड पोस्ट को इंस्टाग्राम से आप डिलीट करना चाहते हैं वो भी सिंगल क्लिक में, तो आप उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर सभी पोस्ट को हम एक क्लिक में किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोग के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर किसी भी रीजन से आप भी अपने इंस्टाग्राम की सभी पोस्ट को एक क्लिक में डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको चले जाना अपने प्रोफाइल पिक्चर पे। जैसे आप प्रोफाइल पिक्चर पे टैप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब आपको करना क्या है कि ऊपर की साइड आपको जो थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, थ्री डॉट पर टैप करना। अब थ्री डॉट पर अगेन आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि सेटिंग एंड प्राइवेसी, थ्रेड वगैरह। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए पांचवें नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है योर एक्टिविटी का। आपको सिंपली योर एक्टिविटी पर टैप कर देना है। जैसे आप योर एक्टिविटी पर टैप करते हैं तो आपके लाइक्स वगैरह, कमेंट, टैग वगैरह, स्टिकर, रिस्पॉन्स वगैरह, रिव्यू वगैरह सारी डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने रिसेंटली कुछ डिलीट किया है उसको आप देखना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रिसेंटली डिलीट में जाके देख सकते हैं। कोई चीज़ आपने हाइड की हुई है, आर्काइव की हुई है, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे आपको भी तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको मिलता है पोस्ट का, सेकेंड आपको मिलता है रील्स का, और थर्ड आपको मिलता है हाईलाइट्स का। तो आपने आज तक जितनी भी हाईलाइट्स लगाई है अगर उसके बारे में कोई डिटेल देखनी है तो आप इसमें जा सकते हैं। अपनी सभी रील्स वीडियो आप डिलीट करना चाहते हैं तो रील्स में चले जाइए, लेकिन हमें यहाँ पे अपनी सिर्फ पोस्ट डिलीट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पोस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए। जैसे पोस्ट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपने इंस्टाग्राम पर आज तक जितनी भी पोस्ट लगाई होंगी वो सभी पोस्ट आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाती है। अब आपको करना क्या है कि इसमें से जिस जिस पोस्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं यहां से लॉन्ग प्रेस कीजिए, आपकी पोस्ट यहां से सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपको सभी को डिलीट करना है वन बाई वन करके सब पे आप टिक मार्क लगा दीजिए, इस तरह से ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। अब ऑल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको मिलता है आर्काइव का और सेकंड आपको मिलता है डिलीट का। तो अगर आप यहाँ से आर्काइव कर देंगे तो ये हाइड हो जाएंगी, किसी पर्सन को ये पोस्ट नजर नहीं आएंगी, बाद में आप इन्हें यहाँ से अनआर्काइव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिलीट फाइव का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि मेरी पांच पोस्ट है, आप जितनी सिलेक्ट करेंगे उतना आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपली डिलीट वाले बटन पर टैप करना है, ओके कर देना है, बस एक क्लिक में आपकी इंस्टाग्राम की सभी पोस्ट यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप भी इंस्टाग्राम पर अपनी सभी पोस्ट को एक क्लिक में डिलीट करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को फॉलो करके बहुत आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।